Hello students, take down problem जो स्क्रीन पर है मैं उसको रीड करता हूं. द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ रवि कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 1995. बैलेंस शीट ऑफ रवि लिमिटेड. Liability side, share capital 30,005% preference shares of rupees 10 each, 3 lakh. 50,000 equity shares of rupees 10 each, 5 lakh. डिबेंचर्स 2,50,000. लोन्स 50,000. सन्ड्री क्रेडिटर 1,93,000. असेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख. मशीनरी 2,50,000. गुडविल 70,000. फर्नीचर 2,000. स्टॉक 30,000. सन्ड्री डेटर्स 1,20,000. बिल्स रिसीवेबल 95,000. कैश एट बैंक 16,000. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,10,000. दोनों तरफ का टोटल है 12,93,000. इन व्यू ऑफ द हेवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी इन द पास्ट इट इज डिसाइडेड नंबर 1 प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस्ड टू रुपीज 8 पर फुल्ली पेड but the rate of dividend is increased by 25%. B. Equity shares be reduced to rupees 2 each. Rupee 1 paid up and unpaid amount of rupee 1 be called to provide additional capital. Debit balance of profit and loss account be written off. Depreciation of rupees 30,000 be provided for machinery and goodwill will be written off. Give journal entries and prepare balance sheet after reconstruction. यह प्रॉब्लम आया था मार्च अप्रैल 96 को एग्जाम में. हम वन बाय वन करेंगे. देखो एक नंबर की एडजस्टमेंट है प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में. प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ रुपीज 10 टू बी रिड्यूस टू रुपीज 8 पर शेयर. यानी कि 10 रुपए का शेयर है 8 रुपए तक कम करना है. नया शेयर का वैल्यू होगा 8 रुपए से और कम करना है 2 रुपए. रिड्यूस 2 रुपीज यानी 8 रुपए तक कम करना है 8 रुपए से नहीं. और इसका 25% डिविडेंड रेट बढ़ेगा. पहला था 5% 5% का 25% है 1.25 यानी कि 6.25. इसकी एंट्री होगी और 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3 लाख टू 6.25% न्यू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 60,000 यानी कि प्रेफरेंस शेयर ओल्ड प्रेफरेंस शेयर वेयर ऑफ रुपीज 10 न्यू प्रेफरेंस शेयर आर रुपीज 8 एंड कैपिटल रिडक्शन का फायदा हुआ रुपीज 2 पर शेयर.
एडजस्टमेंट नंबर दो, ये थोड़े इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि जिसके अंदर देखो इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू रुपीज टू ईच, रुपीज वन पेड अप एंड अनपेड अमाउंट इज रुपीज वन टू बी कॉल्ड टू प्रोवाइड एडिशनल कैपिटल। यानी कि प्रेफरेंस शेयर 10 का है, नया प्रेफरेंस शेयर 2 रुपए का है यानी 8 रुपए से कम किया है, मगर उसमें सिर्फ एक ही वन पेड अप है और एक अनकॉल्ड अमाउंट है, यानी कि हमें प्रेफरेंस शेयर्स के पीछे 9 रुपीज का फायदा हुआ है। यानी 10 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स था, उसमें से 9 रुपए कम किए, 1 रुपया उसको पेड अप बोल के दे दिया और दूसरा अनकॉल्ड अमाउंट 1 रुपीज था वो कॉल किया। इसीलिए इसके 2 एंट्रीज हो गए, पहले एक ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स को हमने न्यू प्रेफरेंस शेयर्स 1 रुपीज पेड अप से इशू किया तो एंट्री होगी ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपीज से 5 लाख, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 रुपीज से 50,000 और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 9 रुपीज पर शेयर से 4,50,000 बीइंग इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स। थर्ड एंट्री होगी जो अनकॉल्ड अमाउंट है फाइनल कॉल ड्यू, हम कॉल करेंगे पहले तो इसकी एंट्री होगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 रुपया से 50,000 टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। और 4 नंबर की एंट्री होगी फाइनल कॉल इश्यू बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 टू फाइनल कॉल अकाउंट 50,000, यहां तक हम आ गए। ओके नेक्स्ट, अब एडजस्टमेंट रहा एडजस्टमेंट नंबर यहां कि जिसके हमने डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गुडविल अकाउंट और मशीनरी को हमें डेप्रिसिएशन करना है तो लॉसेस एंड एसेट रिटर्न ऑफ। देखो गुडविल 70,000 का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,10,000 का है और मशीनरी 30,000 से कम किया है, तीनों का टोटल होता है 5,10,000। तो एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 5,10,000, गुडविल अकाउंट 70,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,10,000, टू मशीनरी अकाउंट 30,000 बीइंग लॉसेस एंड असेट्स रिटर्न ऑफ। तब हम इसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगर हमने प्रिपेयर किया बनाया तो वर्किंग नोट में जैसा है वैसा उसका सिचुएशन दिखेगा, उसके क्रेडिट में आएंगे प्रेफरेंस शेयर्स के 7,000, इक्विटी शेयर के 4,50,000 यानी दोनों की टोटल 5,10,000, डेबिट में गुडविल रिटर्न ऑफ 70,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिटर्न ऑफ 4,10,000, मशीनरी अकाउंट रिटर्न ऑफ 30,000, यानी कि डेबिट का टोटल भी 5,10,000 होता है, यानी कैपिटल रिडक्शन में कोई बैलेंस नहीं है। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट बनाते वक्त एक नंबर देखो 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 8 ईच 2,40,000, 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2 ईच 1,00,000, डिबेंचर्स एज इट इज 2,50,000, लोन्स एज इट इज 50,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स एज इट इज 1,93,000, असेट में लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज 3,00,000, मशीनरी एज इट वॉज 2,50,000, 30,000 कम किए वैल्यू आ गया 2,20,000, फर्नीचर एज इट इज 2,000, गुडविल हमने राइट ऑफ किया, स्टॉक एज इट इज 30,000, डेटर्स एज इट इज 1,20,000, बिल्स रिसीवेबल एज इट इज 95,000, कैश एंड बैंक। अब देखो
कैशर बैंक ओपनिंग बैलेंस था 16,000 प्लस कॉल्स कलेक्टेड फाइनल कॉल ऑन 50,000 शेयर्स बाय रूपी 1 50,000 16,000 प्लस 50,000 टोटल हो गई 66,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने राइट ऑफ किया। अगर बैलेंस शीट की टोटल किया तो वो आती है 8,33,000। हम ये सोचेंगे इस प्रॉब्लम ने हमें क्या सिखाया। इस प्रॉब्लम ने हमें ये सिखाया कि प्रेफरेंस शेयर्स को हमने भले प्रेफरेंस शेयर्स आर रिड्यूस्ड टू रुपीज 2 पर शेयर रिड्यूस्ड 2 रुपीज अगर उसमें से 1 रुपया अनकॉर्ड अमाउंट था इसीलिए हमें कैपिटल रिडक्शन को फायदा हो गया 9 रुपए से और फाइनल कॉल जो हमने अनपेड था अनकॉल्ड था 1 रुपए का उसको कॉल किया और वो रिसीव किया। क्लियर? ओके।